आया और वहा से कर वो सूर के इलाके में गया और एक घर में दाखिल होकर नहीं चाहता था कि कोई जाने मगर पोशीदा ना रह सका क्योंकि फॉल एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी ये औरत गैर यहूदी और कौम की फिनिका सरयानी थी उसने उसकी मिन्नत की कि बदरू को मेरी बेटी में से निकाल उसने उससे कहा पहले बच्चों को शेर होने दे क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के आगे डालना अच्छा नहीं उस पर उसने जवाब में उससे कहा हाँ ए खुदावन क्योंकि पिल्ले भी मेज़ के नीचे बच्चों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं तब उसने उससे कहा इस कलाम के सबब से चली जा बदरू तेरी बेटी से निकल गई है जब वो अपने घर में पहुंची, तो देखा कि छोटी लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरू निकल गई है पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंत की बरकत हो खुदा का शुक्र हो बाप और बेटे और के नाम में अहमी मसी में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम और प्यार पहुंचे आज के अनजीर मुकदस में हमने सुना कि खुदा यसुन मसीह ने एक गैर यहूदी औरत की तारीफ की ये औरत जो अपने मुस्तिल अकीदे और ख़ुदम यूसुमसी पर ईमान रखने वाली थी ये औरत अपनी बेटी से बेानतहा प्यार करती थी आज के मुज़े में हमने खुदम यूसुमसी की बेानतहा मोहब्बत और उस औरत के बड़े ईमान का ज़िक्र सुना ख़ुदाजसमसी ने उसकी बेटी को शिफा दी खुदाजसम सि ने उस औरत पर रहम किया और ख़ुदाजसमसी का ये अमल जाहिर करता है कि वो टूटे हुए बीमार गुनागार अपने पर आए सभी के लिए आया है और वो चाहता है कि हम उस पर ईमान रखे और निजात पाए मेरे चीज़ो मुकदस मरकस ने यह अंजील मुक़दस रोम में लिखी ये अंजील मुक़दस गैर अकवाम यानी गैर यहूदियों के लिए थी यहूदियों ने अपने आप को गैर अकवााम से जुदा कर रखा था यहूदियों के नज़दीक गैर अकवाम रद्द किए हुए थे यहूदियों के नज़दीक गैर अकवाम खुदा के वादे में शरीक नहीं है यहूदियों के नज़दीक गैर अकवाम लानत के काबिल थे और सिर्फ और सिर्फ़ यहूदी ही खुदा के चुनिदा लोग हैं कोई यहूदी किसी गैर अकवाम के शहर में दाखिल होता तो वहाँ से निकलते और अपने शहर में दाखिल होने से पहले अपने पैरों की मट्टी झाड़ कर दाखिल होता लेकिन मेरे जुजो ख़ुदा ऐसा नहीं है इशाय नबी की किताब में लिखा है कि मेरा बरगजीदा जिससे मेरी जान खुश है मैंने अपनी रूह उस पर डाली है अब वो गैर कौमों के लिए अदालत जारी करेगा और जजायर उसकी तालीम के मुंतज़र होंगे गैर अकवाम के लोग भी मेरे जुजो ख़ुदा जिसमसीब पर ईमान लाए मेरे जुजो आज की अंजील मुक़दस में दो शहरों का ज़िक्र है सूर और सैतून बाइबल मुकदस में इन दोनों शहरों का ज़िक्र बार बार पाया जाता है जलील के किनारे बसे हुए वो शहर है जहाँ की अक्सरियत म है और यूसुम अलमसी ने यहाँ आने से पहले इन दोनों शहरों के मतलब कुछ कहा जो कि मुक़्दस मत्ती की अंजील में लिखा गया है उस वक्त वो उन शहरों को मलामत करने लगा जिन में अक्सरीत मुज़े जाहिर हुए क्योंकि उन्होंने तोबा ना की मसीह ने कहा कि ए को तुझ पर अफसोस ए बहते सिदा तुझ पर अफसोस क्योंकि ये मुजज़े जो तुम में किए गए अगर सूर और सैदून में किए जाते तो वो टाट ओढ़ कर और ख़ाक में बैठ कर की तोबा कर लेते बस मैं तुमसे कहता हूँ कि सूर और सैदून का हाल अदालत के दिन तुम्हारे हाल से ज़्यादा बले बर्दाश्त होगा मेरे मेरेजीजो सूर में किनानी औरत की बेटी की शिफा का मुआजा अंजील मुक़दस में लिखा गया है लेकिन सैदून में मसीह ने क्या तालीम दी और कौन कौन से मुआजे किए इनका ज़िक्र अंजील मुक़दस में नहीं लिखा गया आज की अंजील मुक़दस में हमने सुना कि सूर के इलाके में एक घर में खुदा जस्मसी दाखिल हुआ और नहीं चाहता था कि कोई उसे जाने लेकिन फील फॉर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नपाक रू थी उस घर में दाखिल हुई और पुकार पुकार कर कहने लगी कि ए खुदा दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर मेरे जिजो इस औरत की राह में बेशुमार रकावटें थी उसकी पहली रकावट ये थी कि वो एक औरत थी यहूदी रबी औरत से बात नहीं करते थे रबी का औरत से बात करना मायूब समझा जाता था और गहर यहूदी तो कथन नहीं उसकी दूसरी रकावट ये थी कि वो गहर यहूदी थी उसकी तीसरी रकावट ये थी कि वो फनकनी सुरियानी थी और मेरे जुजो अगर हम मकाबीन दूसरे मकाबीन आठ बाब की आठवीं आयत में पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि फनीकी सुरयानी यहूदियों से बेानतहा नफ़रत करते थे यहूदी किसी फनीकी सुरयानी से बात करना भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे तो एक दुश्मन औरत ख़ुदा यूस मसीह के पास आई और वो किन मुश्किल से किन ख़तरा से किन खदशात से घिरी हुई थी लेकिन उसने हर रकावट को तोड़ा अपने आप को हलीम बनाया अपने आप को उसने कमज़ोर समझकर खुदा खुदाम मसीह के कदमों में आई और पुकारते हुए कहने लगी ए खुदावन दाऊद के बेटे मुझ पर रहम करो ये पहली इंसानी गवाह थी ये पहली ऐसी गवाह है जिसने कहा कि ए खुदावंद दाऊद के बेटे उसे अपनों ने रद्द किया लेकिन गैरों ने उसे पहचाना और उसने कहा कि मेरी बेटी बुरी तरीके से बदरू से सताई जाती है मेरे जुजो मरक़ की अंजील में खुदाम युसमसी ने बहुत सारे बदरू गिरफ्तार लोगों को शिफा दी और हमने ये भी सुना कि खुदाम यसू ने उसे कुछ जवाब न दिया लेकिन वो मुसलसल बार बार उसे पुकारती रही इस औरत के इस अमल ने हमें दुआ करने का सलीका सिखाया कि जो दुआ का जवाब ना पाकर हम जो मायूस हो जाते हैं मायूस ना हो बल्कि मुतबात रास्ते ढूंढते रहें गैर मसीही अकायद की तरफ मायल ना हों पीर फ़कीरों की मदद के लिए ना जाएं खुदा से नाराज़ ना हों और दुआ करना ना छोड़ें बल्कि मुसलसल दुआ करते रहें मेरे अजीज़ों शागिदों ने तो मिन्नत की कि उसे रुख कर वो हमारे पीछे चिल्लाती है लेकिन खुदा यूसमसी ने उसे अपने पास आने दिया और ख़ुदा उसकी बातों को सुनकर भी खामोश रहा लेकिन वो अपने हर अमल से खुदाम के नज़दीक आती गई जब खुदा ने कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई बेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया तो वो रुकी ना वो आगे आई उसे सजदा करके कहा ए खुदावन मेरी मदद कर जब खुदा यूसमसी ने कहा कि लड़कों की रोटी पिल्लों को देना मुनासिब नहीं तो वो नाराज़ ना हुई बल्कि उसने खुदाम यूसमसी के जवाब में से ही हलीमी के साथ अपना जवाब तलाश कर लिया उसने कहा कि पिल्ले भी उसी में से खाते हैं उन गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट पाल लेते हैं तो खुदा यूस ने कहा कि ए औरत तेरा ईमान बड़ा है और वो जो पहले दूर खड़ी थी वो नज़दीक आई थी फिर खुदामसमसी ने जब कहा कि गैर अकवाम के लिए नहीं तो वो और करीब आई जब खुदामसमसी ने कहा कि लड़कों की रोटी पिल्लों को देना मुनासिब नहीं तो वो सजदा करने लग गई ईमान की यही